और ईद को आपके बाद इस्लाम लाने के बाद उसने इस मौजूद के ऊपर हुकूम की गई
काम गलत था, जब एक बात समझ में आ गई कि ये काम गलत है, आप इसे तस्लीम कर रही है कि ये काम गलत है, तो फिर कर्क रहे थे उनका पीता पीता ही आपके रास्ते में ले जाता है तैयार, अब उनके रास्ते में नहीं ले जाता। मतलब दुनिया का कोई भी बात हो अगर उसकी अगर जरा भी स्थानिक है तो ये नहीं मान सकता है। हाँ, रस्म की मजबूरी हो, आबाजा की सीरत हो, अकीदे का हिस्सा कोई चीज बन चुकी है, यानी जिंदा रहने का बेटों को है बेटियों को नहीं है, ये गलत फैसला है जो उससे अमल करा दे और अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों ले जाकर के जिंदा दम कर दे, गलत फैसला है। मगर उसकी आत्म मान की है कि काम गलत है, तो अब क्या मानती है और क्या नहीं मानती, इससे इंसान का हल या इंसान का रास्ता तय नहीं होगा। इंसान उस रास्ते पे आ जाए जो अपनी हो, जो सबकी है। मैं दस दिन मेहनत कर रहा हूँ तो एक ग्रहस्थ ले जाने के लिए कि बात बाबत हो जाए कि इंसान का रास्ता जो तय होता है वो अकीदे की बुनियाद पर तय होता है, अपनी दलाइल के इतिहास और ख्याल की वजह से तय नहीं होता। तो चूंकि सारी दलीलें अपनी मौजूद है, हक पे कौन है, बातचीत पे कौन है, थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। बहुत ज्यादा तो मैं फोन करके नहीं पहुंच सकता हूँ आपके साथ, एक दो बार पहुंच ही रहे तारीख से, थोड़ी से अगर अपनी दलीलें किसी के सामने पेश करिए तो आदमी फौरन ना देगा कि हाँ अब यह है बातचीत ये। मगर बेचारे का अकीदा में भूल किए हुए है तो उस रास्ते पर पूरी बात कर रहा हूँ, हकीकत एक है। और यही होता है कि जब आकर एक बात को मान लेती है, अकीदा एक बात को मान लेता है, ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आप रोने गलत नहीं कहते दे रही, अकीदा ये गलत नहीं कहते दे रहा, मजबूर इंसान बीच में रास्ता निकालता है कि ये भी गलती अल्लाह वो भी गलती अल्लाह। और आपसे गुजर करके नहीं आया। एक सवाल और प्रश्न,
की बात नहीं है। तारीख में बहुत मशहूर शख्स के दूरी है माफी शाह पे जब तक कि अपनी गुफ्तगू इंसान के वो कैसा ना हो। एक और सवाल पढ़े मोहम्मद वाले।
उसको लफ्जों में नहीं हम महसूस कर पाते, उन्हीं में से एक ये भी हो
यानी जगह सरफस के बुनियादी जिंदगी गुजार था ही नहीं, यह बात है कि दूसरे जगह बाहर सरफस को है तो इधर उधर सोचने लगा क्यों जिंदगी को बचे थे, मगर है किसी न किसी सरफस के नीचे, अर्थात नबी और इमाम भी दुनिया में बगैर सरफस के जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो नबी या इमाम भी होगा और इस दुनिया में रहेगा तो बगैर सरफस के जिंदगी नहीं दे सकता, जिंदगी नहीं गुजार सकता है, उसे भी एक सरफस चाहिए। अब इस सरफस कौन होगा, ये अहम तरीन मौजू है इंसान की जिंदगी का। आया इस्लाम ने इसे भी अपने हाथ में लिया कि इंसान को उतार दिया, तुम्हारा सरदार तुम्हारा हाकिम बस और बस होना है और उसका रसूल والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, और वो साहिबान ईमान कि जो नमाज कायम करते हैं और डालते रुकू में सलात देते हैं। ये कौन है, कौन है ये वली है, इन जमा वली अल्लाह तुम्हारा वली अल्लाह है, और ये नमाज बात शुरू हो रही है ना, बस और बस सिर्फ और सिर्फ इन जमा वली अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वली खुदा एक, उसका रसूल दो, और वो साहिब ईमान कि जो नमाज की हालत में रुकू के आलम में जकात देते हैं। महसूस कर दिया, महसूस कर दिया कुरान मजीद ने कि तुम्हारे सर के ऊपर विलायत बस इनकी है, अली के बगैर विलायत नहीं है, यानी अली के ऊपर दो विलायत है, रसूल की और खुदा की, रसूल के बगैर विलायत के है, यानी रसूल के ऊपर भी विलायत है खुदा की, इसलिए मैंने कहा था कि नबी और इमाम भी बगैर सरफरस के जिंदगी नहीं गुजार सकता। बहुत तवज्जो करिएगा, अब मसला यह है कि विलायत क्या है, ये वो बात है कि इस पे आदमी इस्लाम में नहायत मेहनत बहुत सवाब रंगीन की बड़ी पैसे लगी हिमाचल के बड़ी कौन है और विदाय का मतलब क्या है, अरबी जबान की है उसको उसमें वो सारे अलैहिस्सलाम के
जितने राशि है, जितने तरीके से रवायत है, रणनीति जितने नियम रास्ते मुमकिन है, और हवाले से उन्होंने इकट्ठा करके साबित कर दिया कि मैदान जमीन में पैगंबर इस्लाम ने इसी तरीके से अमीर मोमिन के उनको मौला बनाया। इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि किताबें बनी पड़ी मोतबर उलमा ने बयान किया है, सब कबूल करते हैं। फिर आपका रास्ता क्यों लग गई? और वही अकीदे की मजबूरी, वही अकीदा जो इनको भी रजी अल्लाह कहलाता है, उनको भी रजी अल्लाह कहलाता है। तवज्जो करिए, एक मुश्किल इजाद की गई और वो मुश्किल ये थी जैसा मौला की जो सत्तर वाणी हो सकते हैं, वाणी हो सकते हैं सत्तर, तो मौला की वाणी दोस्त के भी है, मौला की वाणी सर क्या कहते हैं मददगार के भी है, मौला की वाणी मुहिब के भी है, चाहने वाले के भी है, मौला की वाणी हाकिम के भी है। पैगंबर ने जो फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है, कैसे तय होगा कि कौन सा वाणी का मौला निकला? जो तो इसकी भी अपनी जमीन है, उसके भी अपनी जवाब मौजूद है। तो भाई एक लफ्ज को आप अलग अलग मानी में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आदमी मस्जिद पर मुतवल्ली है तो इसका मतलब चाहते हैं कि मस्जिद का चाहने वाला है, बाकी जितने हैं वो मस्जिद के दुश्मन है। एक मस्जिद है, एक इमाम बाड़ा है, एक को जगह है, उसका एक मुतवल्ली है। अब अगर बजाय के मान के चाहने वाले के मुहिब के हैं तो आप तर्जुमा कीजिए कि ये साहब मोहल्ले के जो हैं ये मस्जिद के चाहने वाले हैं, ताकि सारा मन्ना मस्जिद का तर्जुमा है, क्योंकि बाकी सब मुहल्ली तो नहीं है, तो मुहल्ली को एक है। आपका कहने का यदि नहीं, इसमें मुराद मुहल्ली का मतलब यह है बजाय से निकला है, बजाय के एक मानी सरफरज के लिए है, हाकिम के लिए है, निगरान के लिए है, जिम्मेदार के लिए है। यहाँ पर मुतवल्ली का मतलब है जिम्मेदार, हाकिम, सरपरस्त, देख रेख करने वाला, उसके सही और गलत का फैसला लेने वाला, इसी को तो हाकिम कहा जाता है। बाप वली है, हर औलाद बाप वली है, दादा वली है, ये कौन सा वली? कोई नया वली है, कोई मेरा एक वाला वली है। आप तर्जुमा करिए, बाप बेटे का चाहने वाला है, मुश्किल पैदा हो जाती है वहां सही मानी समझ में आ जाते हैं। मुतवल्ली के जिम्मा के ऊपर बजाय के सही मानी समझ में आ जाएंगे, बेटे और बाप का मसला होगा तो समझ में आ जाएगा। और
इस्लाम जो तकलीफ किया करते थे वो जितने लोग पैगंबर के जमाने में मुसलमान हुए थे क्या वो सब सुनते थे? हालांकि सुने तक पैगंबर ने आज एक बार से कोई मसला बयान किया, कल कोई बयान किया, परसों कोई बात बयान की, उसके आगे कोई मसला बयान किया, कोई हदीस बयान की, अखलाकियात के बारे में कोई बयान किया, अकायद के बारे में कोई हदीस बयान की, मसाइल के बारे में कोई बयान किया, कहां बयान करते थे पैगंबर? मदीने। इस्लाम कहां तक पहुंच चुका है? से बाहर तक कभी कोई किसी शहर से आया दो चार दिन मदीने में रहा, मेंबर के नीचे बैठा, पैगंबर इस्लाम से उसने कुछ किसी मौजू के ऊपर कोई दो चार हदीसें या बात सुन ली और तवज्जो करेंगे नौजवान को खास तौर से उसने दो चार बात सुनी चला गया। जरूरी नहीं कि बार बार जिंदगी में आने का मौका मिले। जितने लोग उस जमाने में मुसलमान हो गए थे पर कोई नहीं करता, क्यों? उसके सफाई इतना आसान नहीं था, आना जाना इतना आसान नहीं था, बातें कहीं के ऊपर रिकॉर्ड नहीं सब हो रही थी कि जब भी उठाए आप उसकी वीडियो उठा करके देख लें कि वह हम ने फरमाया नहीं। तो एक दिन इन्होंने आकर के कोई मौजू सुना, दूसरे दिन वो आए उन्होंने कुछ सुना, तीसरे दिन वो आए उन्होंने किसी टॉपिक को सुना, ये सुन करके अपने वतन चले गए, वो सुन करके अपने वतन चले गए, वो सुन करके अपने वतन चले गए। देखिए आप क्या कहें तो सुना आपने, आपको इस्तेमाल करना किसी का नाम लिखा है, किसी का सुबह नजाफत करें, ऐसी कोई तस्वीर है
इसके कुछ जानों के अल्लाह ऊपर लिखा है, कुछ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, कुछ पे सुभान अल्लाह लिखा है, और वो तो उसकी इंटरप्रेट तो हो गया है, टूट जाए और दाने बिगड़ जाए और वो भी उसे चुनने लगे तो क्या होगा? किसी के हाथ में अल्लाह ऊपर होगा, किसी के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये तस्वीर हुई है, मुलाकात
मगर इसके बाद नहीं, तो बात कानून ये है कि जो भी कर नंबर की बस में दो मिनट का ही उसने कर नंबर की ज्यादा तीनों की हो वो सलाती है तो यहाँ तक कि ठीक है सलाती है। आप का बढ़िया ने प्रभावित के साथ मसाफ की कंजूम हमारे तमाम मसाफ के लागू की तरह है, इनमें से किसी एक की भी तरक्की कर लो के हिदायत पर हो। पैगंबर ने क्या बनाया है हमारे सारे असार सितारों की तरह से, किसी एक के पीछे चलो जिंदगी की गाड़ी पार नजात तय है। ये क्या है अकीदा, ये है अकीदा। ख्याल क्या कहता है ये बात दुरुस्त हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है। दो घंटे के लिए आया है उसमें पैगंबर में पूरी जिंदगी उसने दो घंटे गुजारे पैगंबर के साथ है ना। कानून के चला से आपके जिसने भी ज्यादा कर दी पैगंबर की उपाय दो घंटा उसने ज्यादा की उसने पैगंबर के साथ रहा आपको सलाह दी, और जब सलाह दी हो गया तो दूसरी हदीस आपकी ये कानून वाला की है कि हमारे किसी भी सहाबी के पीछे चलो किसी की भी है इतना अंदर बजा मिल जाएगी। ये बात आपको मानती है अगर दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ये कानून हो कि दो घंटे के लिए जो स्टूडेंट कैंपस में आए करें के चला जाए वो कहीं भी प्रोफेसर बनाया जा सकता है। एक हफ्ता इसने इस यूनिवर्सिटी में गुजारा है, एक हफ्ते इसने पढ़ाई की है, अब फला बेटा के ऊपर इसे लेक्चरर बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया घूमता लीजिए कहीं कितना घटिया तालीमी निजाम हो वहां ये चलेगा है। तो साहब पता भी नहीं इन्होंने सिर्फ आए टहलने के लिए यूनिवर्सिटी देखा दो ढाई घंटे रहे कैंपस में और निकल गए, और निकल गए तो आप ना उनकी इत्तेबा याद करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे अपनी नहीं भाई। और ये कानून ऐसा है कि दुनिया के किसी मुसलमान के साथ रखी है उसकी आप मानेगी कि हाँ ये बात सही है, फिर उसकी उसकी वही है कि आप कुछ कहेगी अकीदा कुछ कहेगा रास्ता वो तय करता है आदमी जो आप कह रही हो उससे फैसले की है, रास्ता वो तय करता है कि जिसके ऊपर उसका अकीदा हो सलाह दे कर रहे हो या कुरान के बारे में गौर नहीं करते आयतों में गौर नहीं करते
करते, तदब्बुर नहीं करते, क्या आप इस्तेमाल नहीं करते, क्या तुम बिल्कुल अहमक हो, क्या तुम गले हो, ये सब करते मालिक के बेटे हैं,
बस ये नारे और नारे बैठे हैं हुसैन बाजमत ने ये सारी बातें उनके ख्याल में पहले से थी और ये कहीं गोशे में पड़ी हुई थी। हुसैन ने काम क्या किया, वो बात जो गोशे में पड़ी थी उसे निकाल करके जहन की एक उस मंजिल पे लाके रख दिया जहाँ बार बार होते उस बात के ऊपर इतना गौर किया, इतना गौर किया, इतना गौर किया कि जो ख्याल था वो अकीदा बन गया। जो ख्याल था वो अकीदा बन गया। इमाम ने एक समझा था बसावत का उम्मों का या हो ऐ बोल तेरी माँ तेरे खातम में बैठे तो उसकी माँ का नाम ना अपनी माँ का तेरी माँ तेरे मातम में बैठे इतनी सी बात कराने मतलब निकाल रहा उसने कुछ नहीं ये नाम क्या किया उसने वो जो कहीं गोशे में सारे ख्यालात बैठे हुए थे अब उसने उनको परेशान करना शुरू किया कौन है उसने की माँ तू भी कुछ जवाब दो आगे बढ़े मन में यही उसने की माँ तो माँ की माँ नहीं है ये पहले नहीं जाता वो बाद में जाके उसने किसी से पढ़ा पूछा उसने जिसका उसकी आंखों में ताप है जिसके जहन में महबूब था मगर जब तक पास जहन में वो इंसान उस रास्ते पे नहीं आता रास्ते पे कब आता है जब वो जहन की बात रूह में उतर जाए जब अकीदा बन जाएगी तो इंसान को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अकीदा खुद सही रास्ते के ऊपर इंसान को लेकर के आता है। अभी जमाना दिया हुसैन ने अभी में हो तो सोचते रहो गौर करते रहो फिक्र करते रहो जहन में बार बार ये बात को करते रहो हुसैन की माँ कौन है हुसैन की माँ कौन है हुसैन का नाना कौन है हुसैन का बाबा कौन है हुसैन के खानदान के हैं हुसैन की अजमत क्या है इस सारी बातें जहन पहले से जानता था मगर बात सिर्फ जहन तक थी अकीदा अलग था जहन हुसैन के साथ था अकीदा यजीद के साथ था क्योंकि यजीद के रास्ते पर था यजीद की फौज का कमांडर था मगर इमाम ने किसी ख्याल और अकीदे को एक तरफ किया बस हुसैन का कुल कारनामा यह है ऐसा जुमला कह दिया कि ख्याल होता और अकीदा होता एक बन गया और जब दोनों एक हो गए तो मुमकिन नहीं है कि अकीदा अलग हो और अमल अलग हो जाए। शबे आशूर आते जाते इस अकीदे ने उनके मजबूर कर दिया जब मैं इस टाइम पर नहीं रह सकता मेरी जगह उधर है मैं इधर क्या कर रहा हूं मगर हाँ यह ख्याल भी है रात का खाना खाया जाए
होता ये था कि इस बार वो नमाज इशा पढ़ करके आते थे और खैमे में बेटा दस्तरखान चला देता था और दस्तरखान चलाते थे बेटा होता था चचा गुलाम इतने लोग जो मैदान करबला में मौजूद थे। आज फिर दस्तरखान बेटे ने लगा दिया मगर आज वो नहीं क्या है कुछ देर तक बेटे ने इंतजार किया और वो नहीं गए नमाज पढ़ करके बेटा वापस हुआ। किसी ने पूछा कि भाई आपने बाबा को देखा तो उनका आम है और वो ख्याल सही की खड़ी जाते देखा तो मेरे साथ नहीं हो तो सब कीजिएगा बहुत ज्यादा हो गया यार मसाइल को बहुत असर कर रहा ख्याल में उसे ही कर रहे इसको खोल के जाने के क्या बेटा तेजी से लटका आया तो क्या देखता है कि ख्याल में उसे ही से जितने करीब तक जाया जा सकता है उस जगह पे वो खड़े पीछे लाकर के बैठे हैं आवाज दी बाबा आप यहाँ हैं दस्तरखान लग गया सुपर लग गया खाना लगा है लोग इंतजार कर रहे हैं आज जो बोल पड़ गए तो चेहरा आंसुओं से जा बाबा खैरियत आप रो रहे हैं क्या कहती है क्या और मेरे को जवाब नहीं दिया क्यों इसलिए कि अगर जवाब देंगे वो तो जहन कोई बात कबूल कर सकता है जरूरी नहीं वो आपकी क्या लग जाए उन्होंने काम ये किया कि बेटे की माथे पे हाथ रख के कुछ आगे और उसे देते बेटा अपना कान लगाओ तैयार से उसके लिए कर और करो कोई आवाज आ रही है वो सुनाई दे रहा है कुछ देर तक बेटे ने सुना था बाबा हाँ सुनाई तो दे रहा है तो क्या सुना तुमने कोई बच्चों के अलदश की आवाज छोटे छोटे बच्चे हैं आए प्यास आए प्यास अलदश अलदश और एक पहचानते हो ये बच्चे कौन है बच्चों को देखिए कौन से क्या आपको पहचानते हो ये कौन बच्चे हैं जो अलदश कह रहे हैं बाबा ये सब जानते हैं कि यार खाने उस देखिए और कितने बच्चे हैं आते हो बच्चे हमने के बहुत से जुमले को बदल दिया नहीं इस मंजूर लिए थे भाई हम पर है ये औलाद रसूल है जो प्यासी है बेटा की मसाज का इंसाफ यही है कि औलाद रसूल पानी के लिए मोहताज हो पता नहीं रहते बच्चे का दस्तक कह रहे हो और मैं दस्तरखान पे बैठा हूँ ये बताओ कि मैं ऊपर को क्या को दिखाऊंगा बेटा समझ गया कि बात मेरे इरादे को बदल दिया है रास्ते को बदल दिया है कहता बाबा आप बताएं कि आपने क्या फैसला किया है बेटा मैंने फैसला कर लिया मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ क्या ये मुमकिन है क्या हुसैन की तरफ जाया जाए अब बेटा जहाँ तक मैं जाता हूँ हुसैन करीब इतने करीब है तो हुसैन माफ जरूर कर देंगे बेटा कहता बाबा तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा बेटे को साथ दिया रवाज मुख्तलिफ है रवाज बात कहती है गुलाम दिया गया भाई दिया गया तो कम से कम बेबाप और बेटे ये बिल्कुल मुतवक है ये चले चले दूर चलने के बाद वो ठहर गए बेटा मैंने बड़ी जसारत की है इन आंखों को ले जाकर फर्श पर डाल दिया था उस तो शहर का रास्ता रोकने के लिए इन आंखों ने गुस्सा भी की है इसे यूं नहीं जाना चाहिए उस शहर के सामने पापा फिर कैसे ऐसा करो कोई कपड़ा लो और मेरे हाथों को वैसे बांध दो जैसे मुजरिमों को लाया जाता है और मेरे हाथों को बदलवाया लेकर के बेटे के साथ चले हैं आधी तो रात चल रही है उधर शायद आका इमाम इंतजार कर रहे हो और काफी दिन गुजर गए पहले तुम्हें मौका दिया था तेरे मेहमान कहाँ रहते हैं तुम एक मरतबा हुसैन उठते हैं अपने असहाब को मुतवज्जे करते हैं देखो आगे बढ़ो मेरा एक मेहमान आ रहा है अपने खुशी खुशी बीवी
आया है, आपके भंडार की रुस्मत के लिए आया है, वो तो जहन की तरफ आ गए हैं। हाँ देखो जहन ने भी माफ कर दिया, नीतियों ने माफ कर दिया, मगर इसके बावजूद वो बेचैन है, बार बार से कहते मौला ने माफ कर दिया है, तो सबसे पहले मुझे मौका मिला है। सबसे पहले तुझे मकसद में जाने दीजिए कि मां ने मेरा अपने भूल को इजाजत दे दी है कि जाए जाए भूल। क्यों? इसलिए कि जब उसे भूल की कोई ज्यादत नहीं कर सकते तो मुझे तक रोक के शर्मिंदा क्यों करें। भूल से पहले तो एक आगे बढ़ा बाबा, ये कैसे मुमकिन है मैं मौजूद हूँ और आप मकसद में चले जाए। और निष्ठावासी जी बेटे को इजाजत दिलवाई, जवान बेटा फैसला निकला है, आजा मकसद में करना शुरू किया और खूब लड़ा। उसने लड़ा बेटा है, ये भूखा नहीं है, ये प्यासा नहीं है, ये शिकम शेर है। अभी तो जन करते करते बेटा गिरा, मंदिर तमाम कर दिए, और जब बेटा गिरा उसने बाप को मदद के लिए बुलाया। अब जरा दोनों के फर्क को देखें, बाप फौजी है, बाप मजबूत जिस्म का मालिक है, बाप थका हुआ नहीं, बाप भूखा नहीं, बाप प्यासा नहीं, बेटे ने बुलाया है, बाप कितनी तेज पहुंचा होगा। पर मकसद कहता है जब भूल पहुंचे उससे पहले उसे पहुंचने, उनके पहुंचने से पहले हुसैन पहुंच चुके थे। पर मंजर जो हमने देखा वो क्या था कि उनके जवान का लालच सर हुसैन के जानू में रखा है। उन्होंने कहा कि चुप करके बेटे से कुछ गुफ्तगू करें कि इमाम ने सीने पे हाथ रखा, किसने कर दिया, उनके आदर कर रहे हो। एक देखा दुनिया में थोड़ा बाप जवान के लालच में आता है। मैं तो बोला आपने उनको तो समझा दिया, मगर कुछ घंटों के बाद यही मैदान होगा, यही पूरा बाप होगा, यही जवान जो अपराध जो ज्यादा